तो ये पूरा रेस्टोरेंट का जो है किचन सेक्शन है ओपन स्पेस में। ये चिकन 65 है और ये है अपनी फिश। मैं लिटरली एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हमारा एक बैकअप चैनल है सहित खाना खजाना है, सहित बाहुबली फूड ब्लॉगर बोल के आ जाता हूँ। मेरे सामने हुआ क्या नहीं नहीं अस्सलाम खैरियत से हैं। तो आज 15 अगस्त 2024 78 इंडिपेंडेंस डे था, सेलिब्रेशन पूरे हो गए, बट उससे पहले 5 o'clock हो रहे हैं तो फ्लैग को निकालना ज़रूरी है। फ्लैग को जो है निकाल के फिर उसको अंदर कबर्ड में रख के फिर सीधा हम निकलेंगे। पूरे दोस्तों से मिलाता हूँ कौन कौन आने वाले हैं, और एज एक्सपेक्टेड आप लोग समझ भी गए होंगे कौन कौन आने वाले हैं। ऑलवेज ये दोनों जो है मेरे चीज़ा यूज़ करते रहते, आज परफ्यूम होना करते, अतर होना करते, मेरे परफ्यूम पसंद आते हैं दोनों को, नहीं फ्लोटिंग होती नको पेट भर जाता देखो भाई। एक 10 रुपये का मैं 5-5 रुपये का दियो। तो साथ में गुलबर्गी के बड़े बड़े देखो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दिखाते थोड़ा अकेले आशीष अजी थोड़ा अकेले यहाँ एक है और इन्हों लोग बोल रहे हैं पार्टी दो भाई 20 केक देखेंगे जहीं पे पार्टी नहीं ऐसे दावत समझ लो आप लोग का जाइए कहेंगे एंजॉय करेंगे आप लोग भी वीडियो एंजॉय करो। दूसरी बात देखिए जब कभी भी कौन सी भी रोड पे चला रहे हैं या गली में भी चला रहे हैं आप सेफ्टी का ध्यान रखिए, गाड़ी स्लो चलाइए अपने कंट्रोल में चलाइए। इंसिडेंट पे इंसिडेंट हो रही है गुलबर्गे में, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो रेज मत दिखाइए। दूसरी बात कैमरा भी यूज़ मत करिए, मैं पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ब्लॉग शूट करता हूँ और मैं पीछे बैठा हूँ ड्राइविंग कोई और ओके। तो ज़रा इसका ख्याल रखिए क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं भाई आप लोगों के, लिहाज से एहतराम से यूज़ करिए जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं आप लोग। हाँ वो जानने छोड़ो तुम लोगों कौन सी चीज़ की पार्टी होना, वो तो बोलो सारी दावत कौन सी चीज़ की दावत होना आप लोगों को, इनको इंस्टाग्राम पे 20 के हुए करते उसकी पार्टी होना। अरे यार देश आजाद हुआ तो उससे बड़ा इवेंट कुछ है क्या? अच्छा इंडिपेंडेंस डे की, अच्छा इंडिपेंडेंस डे की आज़ादी की दावत है बट ये है अभी थोड़े इंडिपेंडेंट नहीं हुए लोग, इंडिपेंडेंस नहीं मिली थोड़े लोगों को, बट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है वो उस पर नहीं जाते हम। तो आए हुए हैं इस्लामाबाद कॉलोनी में केबीएन कॉलेज के पास, ये देखो सिद्दीकी रेस्टोरेंट। चलो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे बीबी रजा कॉलेज है और बाजू फंक्शन हॉल में महाराजा, यहाँ पे सिद्दीकी, यहाँ से देखेंगे तो केबीएन कॉलेज रोड है। एक फिश डालियो, एक 65 लाल, क्या बोलो ऐसे दोस्त कैसी सिचुएशन है क्या चल रही कुछ नहीं मालूम, सीधा दावत 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 क्या है मेरे को समझ में आ रहा है इनके साथ। ये आपके वो 20 जितने भी डायलॉग है म्यूट होने वाले हैं क्योंकि सेंसर की तरफ से ऑलरेडी ऊपर से आ रहा वो। दूसरी बात सोहेल भाई यहाँ पे खेवे हैं ऑलरेडी, उनका ब्लॉग है तो हम भी जो है एक्सप्लोर करने आ गए हुए हैं, अब हम जो है टेस्ट सही बताएंगे क्योंकि एक सब में बड़े फूड ब्लॉगर जिसको टेस्ट का टीवी नहीं मालूम फिर जब्बार भाई मच्छी स्पेशलिस्ट, सॉरी क्या फिश नहीं मच्छी बोले हमें, सोहेल भाई मीठा स्पेशलिस्ट, आशीष इनो सब ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। हाँ भूख लगी तो खाने से मतलब तेज गया भाई। और दूसरी बात देखिए मैं तो एम्बियंस उतना प्रिफर नहीं करता, टेस्ट बेहतरीन रहा तो मेरे को बेस्ट लगता। अब इन दोनों इन लोगों का क्या सीन है मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि इनको एम्बियंस अच्छा होना शायद किसी को तो एम्बियंस या टेस्ट क्या ये क्या है टेस्ट तो पूरे जने राजी हैं बट ये ब्रीड अलग है इनकी ब्रीड अलग है इनको एम्बियंस होना एम्बियंस के साथ होना चाहिए एम्बियंस के साथ होना। एक बार पूरा रेस्टोरेंट का टूर देख लो, यहाँ पे फैमिली सेक्शन भी होगा, यहाँ पे एक फैमिली सेक्शन है, यहाँ पे पूरा नॉर्मल सेक्शन, जितना भी प्राइस चार्ट है वो यहाँ पे सब चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी आपको। तो ये पूरा रेस्टोरेंट का जो है किचन सेक्शन है ओपन स्पेस में, देख सकते हैं पूरी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बुक के शेरंग किधर वाले तो इधर
इधर ये चिकन 65 और ये है अपनी फिश। देखेंगे बिस्मिल्लाह थोड़ा अंदर और खटास होना था 65 में और मज़ा आता था। क्रंची हुई अच्छी बनी हुई है। तो सोहेल भाई जो है मिस इन्फॉर्मेशन नहीं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं इन्फॉर्मेश नहीं करे यहाँ पे ग्रेवी आइटम नहीं आप बोला था ना एटलीस्ट। अरे कैसे बातें कर रहे हैं तो अब जो है बिरयानी खाने वाले हैं फिर इसके बाद दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे और क्या सोच रहे हैं देखेंगे कहाँ पे जाएंगे। उससे पहले बिरयानी थोड़ा मेयोनीज में मेरे को लग रहा है भाई इम्प्रूवमेंट चाहिए दूसरे दोनों आइटम में। काम बात देंगे बोल दो अच्छा हदरे भाई जैसा सर्व कर रहे हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी सर्व नहीं करते सबको पहले वाइट डाल रहे हैं भाई लास्ट में हुआ ना एक जगह बोटी एक जगह वाइट एक जगह सीधा बट भाई अच्छा सर्व कर रहे हैं मसाला डालो आज रुको सर्व करते हैं। 140 रुपीज की बिरयानी है बट क्वान्टिटी बेसाफ है अब टेस्ट देखिए खाने के बाद काम बोलिए भाई हम टाइमिंग ऐसी मेरे पास बोलना नहीं थे कस्टमर के पास सर तो अपना प्लान था दूसरे रेस्टोरेंट को जाके ग्रेवी खाने का बट बिरयानी का टेस्ट देखो आसिफ भाई फैमिली पैक मंगा रहे हैं ये तो थी 140 की अब जो मंगा रहे 380 भाई सच में यार मेरे को पहले नहीं मालूम था 140 वाले में 5 जने ट्राई करें ट्रेलर में सबको समझ में आया क्या है बल्कि अब जो है फाइनल आने वाली है फिर उसके बाद मिठा खाने के रास्ते जो है वहाँ अहमदाबाद चेक पोस्ट पे चाय पीने जा रहे हैं। क्या था मिठे का रिएक्शन डबल का नहीं कद्दू की खीर नहीं दूसरा ऑप्शन डबल का मिठा का है तो अभी डबल होते हैं देखो होना है क्या उन्होंने इंतजार में बैठे डबल का लेको सिंगल सिंगल मारेंगे देखो ये है क्वांटिटी 380 की सोहेल पहले बहुत बार ऐसे दिख रहे हैं पूरा एक्सपीरियंस है सोहेल को उसके वास्ते मेरा यूट्यूब चैनल चेक करना पड़ता भाई पूरी दावत का फील दिया यार अनवर कैसी है क्वांटिटी पागल में ना चक्कर आ रही है अनवर को अगर ज्यादा दिख रही तो आप समझ जाओ और कोई दावत मांग रहे भाई एक बार लेकर आओ यार 380 की बिरयानी ले लियो फिर नेक्स्ट टाइम बिरयानी दावत पूछते नहीं होना ये गारंटी मेरी है अभी व्लॉग देखते हैं देखो सही में खाली टेस्ट के बारे में एक ही चीज बोलता हूँ माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने भाई गोश्त में जो टेस्ट है लाजवाब एक नंबर आसिफ भाई डायरेक्टली ये दावत अटेंड करने कहाँ से सऊदी अरेबिया से अरे सही बोला खाए ऐसी बिरयानी सऊदी अरेबिया में मजाक से हट के भाई कहीं पे भी नहीं जाना था मीठा ऐसा ही खाने के बीच में ना अनवर आज आसिफ के साथ बहस करे बोलो हर चीज कम मिली नेक्स्ट टाइम आसिफ से पंगा लेने से पहले सोच समझ के अभी जिम भी जाना है कल आसिफ को कल जिम में हाँ दिख रहा तुम्हारे शरीर से मालूम हो रहा तुम्हारी आँखें जो रेड हुई नहीं वो हिसाब से मालूम हो रहा मेरे ट्रैवलिंग कैसे हुए हमारे घर से एमएस की मिल फिर एमएस की मिल से यहाँ पे
दो जगह की ट्रैवलिंग में क्या ख्याल हो गए इन समझ में नहीं आ रहा भाई। बिरयानी पार्सल कराने के लिए भेज दिया, नहीं खा पाए भाई। बहुत हर एक चीज़, अब जितनी भी चीज़ें टेस्ट करें सब सब एक नंबर है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और नेक्स्ट टाइम आइए जल्दी सुकून से। वो भी अच्छा है। एक बात बोल रहा हूँ मैं, बजट में बेस्ट टेस्ट होना बोले तो ये रेस्टोरेंट को आ जाओ। क्वांटिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कितना हुआ भाई टोटल? 960 हो गया पूरे। क्या होते हैं ओवर हो गए, ओवर पेट के ऊपर आया। जो 960 का खाना खाए उसमें पार्सल भी लेके जा रहे हैं। हाँ अभी पार्सल भी लेके जा रहे हैं। हट जाओ। ये जो भी है पूरा इनका किचन है, ओपन स्पेस में है। और दूसरी बात, ये देखने के बाद एक ही चीज़ याद आ रही मेरे को, शादियों का खाना। और भाई जो बिरयानी थी तेरी थी सेम फील दे रही थी। और टेस्ट में तो शादी का खाना है भाई, परफेक्टली एवरीथिंग जो है ऑन पॉइंट था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरी क्लिप लियो तो भाई देखो, मैं लिटरली एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। हमारा एक बैकअप चैनल है जो सईद अनवर हैंडल करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल ना डिलीट भी हो गए तो नए फूड ब्लॉगर गुलबर्गी के सईद अनवर रहेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है मेरे ओपिनियन से बड़े-बड़े फूड ब्लॉगर्स की वजह से डिसएग्री होती है। पर लास्ट टाइम मैं जो कॉफी ट्राई किया था वो उन नगर पे, एक नंबर पीना था मेरे को। मैं तो घर पे जा रहा हूं। अब उनका बात की बेस्ट कॉफी, सस्ती और अच्छी और ज्यादा का था। अब पीना है उसके बाद ही बोलते हैं। जज्बात और एक्सप्रेशन जो थे कॉफी के बारे में, शादी का डायलॉग है ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पेड प्रमोशन दिए थे जैसे मेरी लास्ट रील में अंबानी दिए, अंबानी सर दिए थे। और उन हमेशा वैसा बनाता नहीं बनाता उसकी गारंटी नहीं ले सकते हम। और सबसे टेस्ट बड़ अलग रहती है, दो हैशटैग रखना पड़ता है सादिक के लिए। चलो 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 वो चैनल के लिए जो है सईद खाना खजाना है, सईद बाहुबली फूड ब्लॉगर बोल के आ जाता हूं। मगर उसमें जो है इंसानियत के सरकार में ऐसा खाते हुए मिलेगा वो आवाजों के साथ फेमस हो जाते फिर तो कैसा देख रहा है। तुम रेस्टोरेंट के लिए एक चीज खाली मेंशन करना है, वैल्यू फॉर मनी, ओवर वैल्यू फॉर मनी। जितनी वैल्यू आप मतलब पे कर रहे हैं ना, पैसे जितने पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको टेस्ट एंड क्वांटिटी। तो ये गुलबर्गे का पैसा वसूल रेस्टोरेंट है राइट। खत्म, टैग डाल दिया हुआ है। भाई बाहर का खाना इतने दिनों के बाद आज एंजॉय कर रहा हमें, वो भी पॉकेट फ्रेंडली फूड था। दूसरी चीज़ बोले तो हेजी और सोहेल जो है घर को चले गए, थोड़ा उनको काम था। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। एक घर को पार्सल लेके जाना है। और आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा नीचे कमेंट करके बताओ। और क्या भाई सब्सक्राइब करो, 10K के करीब है, जल्दी से अपनी 10K की स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए पीस। I will find a light in your soul, I'll be